सकल हिंदू समाज पहुंचा अजमेर जिला कलेक्ट्रेट। उदयपुर में निर्दोष व्यापारी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में और आतंकी गतिविधियों की गहनता से जांच की जाकर कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने को लेकर और हिंदू समाज में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नवभारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। आज हम अजमेर शहर व्यापार संघ और सकल हिंदू समाज के सब प्रवक्ता और यहाँ पर जितने भी मनुभाव इकट्ठे हुए और जिलाधीश महोदय को हम अपना राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने ये मांग की है कि जो ये जो कृत्य उदयपुर में हुआ है, इस कृत्य के अंदर जो भी दोषी पकड़े गए हैं उनको फांसी से कम सजा न होनी चाहिए और किसी भी हालत के अंदर वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोगों की यही है, व्यापारियों को पूरा सुरक्षा प्रदान की जाए। व्यापारी एक शांति प्रिय व्यापार करता है और किसी भी चीज़ में ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं होता है। इसलिए आज जिलाधीश महोदय ने हमको कहा कि हम राष्ट्रपति के को आगे ये पास ऑन करेंगे और इसके लिए पूरी अजमेर के अंदर जितनी भी जो सामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें SP साहब ने भी कहा कि इसके ऊपर पूरी की पूरी हम इंक्वायरी करवाएंगे और जांच बैठाएंगे और जो भी अंदर से निकल के आएगा उनको सज़ा दिलवाएंगे। हम व्यापारियों के लिए, अजमेर शहर व्यापार महासंघ व्यापारियों के हित के लिए काम करता है और व्यापारियों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा, यही हमारी कामना है। और आज व्यापारियों को मैं बहुत बहुत वो देता हूँ पूर्वक आह्वान देता हूँ कि बहुत शांतिपूर्वक बंद के अंदर सहयोग किया, यह उनका बहुत बहुत आभार। और किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के तत्वावधान में 9 से 12 तक का जो समर्थन दिया गया, मैं पहले तो सभी अजमेर शहर के व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूर्णतया से स्वैच्छिक जो बंद करा उसके लिए मैं, और जो आज के 5 दिन पूर्व कन्हैया लाल जी की हत्या होती उदयपुर में, उस घटना को लेकर ये सभी व्यापारियों ने अपनी एकता दिखाई है। इसमें कोई राजनीति को नहीं है, सब व्यापारियों ने अपने इच्छा से बंद किया है और मैं ऐसे अपराध की घोर निंदा करता हूँ और यही कहता हूँ कि शहर में अमन चैन शांति बनी रहे और सब अपने भाईचारे से बने रहे। मैं एक बार पुनः, हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी से कम कोई सजा उनके लिए नहीं होनी चाहिए।